हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम लोग डोसा का इंस्टेंट मिक्स बना करके तैयार करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि बिना तवे के हम डोसा किस तरीके से बना सकते हैं और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोसा का इंस्टेंट मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इस पैन में हम एक कप जितना उड़द की दाल डाल देंगे, यानी कि जो सफ़ेद उड़द की दाल होती है वो मैंने यहाँ पर ली है। इसको मैंने इस पैन में डाल दिया है। साथ में ही एक बड़ा चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। इन दालों को हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितना पोहा लिया है, जिसको चिवड़ा भी बोला जाता है, वो यहाँ पर लिया है। और साथ में ही 1 बड़ा चम्मच भर करके दाना मेथी लिया है, जो मेथी दाना होता है वो लिया है। और सभी चीज़ों को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है लो फ्लेम पर। सिर्फ इनकी हमें नमी ख़त्म करनी है, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ताकि इनको पीसने में हमें आसानी होगी और जो हमारा मिक्स होगा वो भी काफ़ी दिन तक चलता है। फिर 2-3 मिनट तक इसको बिल्कुल हम भून लेंगे धीमी धीमी आँच पर। देखिए, सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल करके हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको हम पीस करके तैयार करेंगे। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमें ग्राइंडर में डाल करके इसको पीस लेंगे और पीस करके इसका एक फाइन पाउडर हमें बनाकर तैयार करना है। तो पहले हम इसको एक ग्राइंडर में निकाल लेते हैं। जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है वो काफ़ी सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसको पीसते वक्त हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा लिया है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप बेकिंग पाउडर का यूज़ ना करें फ्रेंड, बेकिंग सोडा ही यूज़ करें। इसके बाद में जो साइट्रिक पाउडर होता है, यानी टार्टरी का टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास टार्टरी नहीं हो तो आप क्या करें, इस वक्त आप कुछ भी इसमें ना डालें, सोडा ही डालें सिर्फ। और जब हमें डोसा बनाना हो, जब डोसा का पेस्ट बनाएंगे, तो उस वक्त आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ टाटरी है तो मैंने इसमें साथ में इसको डाल दिया है और इसका एक बारीक पाउडर हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका बारीक पाउडर हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको अब एक बोल में निकाल लेंगे हम। इसके साथ में ही मैंने यहाँ पर 3 कप जितना चावल का आटा लिया है। सेम इसी तरह से मैंने घर के चावल लिए, उनको हल्का सा भून लिया पहले पैन में सूखा, और उसके बाद उसको पीस करके पाउडर बना लिया। तो आप एक मेज़र कर लें कि अगर 1 कप आप उड़द की दाल लेते हैं तो 3 कप आपको चावल लेने हैं, तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर लें और उसको पीस करके आपने पाउडर बना लेना है। और ये हमारा जो इंस्टेंट मिक्स है, ये बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ में ही मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जितना पाउडर शुगर डाल रही हूँ। जो चीनी है फ्रेंड्स, मैं पीसते वक्त उसमें डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी इसमें मिक्स कर दिया है। तो आप चाहें तो जो चीनी है उसको जब हमने दाल पीसी थी उस वक्त आप उसमें मिला करके पीस सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पाउडर शुगर भी इसमें मिला करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट मिक्स बन करके तैयार है फ्रेंड्स। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख करके 3-4 महीने तक आराम से खा सकते हैं, और फ्रिज से बाहर भी आप 1 से 1.5 महीने तक इसको बना करके खा सकते हैं। तो अभी हम इसे देखते हैं कि हमें इससे डोसा किस तरीके से बनाना है। तो डोसा बनाने के लिए हमें जितना इंस्टेंट मिक्स चाहिए, जितने डोसे बनाने हैं उस हिसाब से आप मिक्स एक बोल में निकाल लें। तो मैंने आधा मिक्स इसमें से ले लिया है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। और क्योंकि हमने साइट्रिक एसिड डाला हुआ था, साइट्रिक पाउडर डाला है, इसमें टाटरी डाली थी, तो इसलिए अभी हमें किसी और चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने टाटरी नहीं डाला है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस इस वक्त इसी में डाल दें। जिस वक्त आपने अभी जब हमें पेस्ट बनाना है तभी हम नींबू का रस इसमें डालेंगे। और पानी डाल करके मैंने इसका गाढ़ा घोल बना करके तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा बैटर है वो फूल करके तैयार हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं अपने बैटर को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे,
जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। जैसे डोसे का बैटर होता है वैसा ही इसका बैटर हमें करना है। यहाँ पर मैंने डोसा बनाने के लिए एक पैन लिया है, ये वही पैन है फ्रेंड जिसमें मैं मोस्टली अपनी स्टफिंग्स बनाती हूँ, वही पैन का मैंने यूज़ किया है। मैं इसमें आज डोसा बनाऊंगी। तो पैन को मैंने गर्म करके थोड़ा सा ऑयल लगा करके पोंछ दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी हमें अच्छे से पोंछ देना है ताकि जो पैन का टेम्परेचर है वो डाउन हो सके। डोसा बनाते वक्त जो टेम्परेचर है पैन का वो हमेशा कम होना चाहिए, लेकिन डोसा सेकने के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो अच्छा चाहिए होता है। तो अभी हम इसको बैटर को फैला देंगे। डोसा फैलाने के बाद में हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकने देंगे। आप चाहें तो लोहे के तवे पर भी डोसा बना सकते हैं। तो लोहे के तवे पर हमें डोसा किस तरह से बनाना होता है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। मैंने बहुत परफेक्ट तरीके से सिखाया है कि लोहे के तवे पर आप पुराने लोहे के तवे पर आप किस तरह से डोसा बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा डोसा है वो नीचे से सिक गया है, आपको दिख रहा होगा इसमें कलर आने लग गया है। तो अभी हम इसको पलट देंगे और पलट करके नीचे की साइड से भी इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे। तो पैन में बनाने का जो तरीका है ये भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। अगर किसी के पास तवा नहीं है या फिर लोहे के तवे पर आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से कोई भी पैन ले लें या फिर कोई भी चौड़ी कढ़ाई ले लें जिसका जो बेस है वो काफ़ी चौड़ा हो, तो उसमें भी आप ये डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। नीचे की साइड से भी हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा इसको सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे से सेकने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि जो डोसा होता है वो काफ़ी पतला होता है तो एक तरफ से ही वो सिक जाता है। देखिए काफ़ी क्रिस्पी हमारा डोसा बनकर के तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से हम अपने बाकी के डोसे बनाकर भी तैयार करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा हमारा बना है, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स बाकी के डोसे भी हम इसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे डोसे बनकर के तैयार हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और एक बार मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी ये डोसा बना है, जबकि हमने इसको बिल्कुल फर्मेंट भी नहीं किया था और कोई इसको देखकर ये नहीं कह सकता कि हमने इंस्टेंट मिक्स से इसको बनाया था। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।